डेमो जो हम करने वाले हैं दैट इज टू इंक्रीज मनी इन योर लाइफ कह लो, या फिर ग्रो मनी इन योर लाइफ कह लो, या ग्रो एबंडेंस इन योर लाइफ कह लो, या फिर कह लो टू रिमूव ब्लॉकेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बेसिकली हम लोग मनी ग्रोथ का रिचुअल करने वाले हैं, मनी अट्रैक्टिंग का रिचुअल करने वाले हैं। ठीक है, ओके, मैं आई विल पिक अप गाइज, फिर नहीं बताना तो गेट ग्रीन कैंडल एंड क्लियर इट, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन कलर को क्लियर कर लेंगे और उसको चार्ज कर लेंगे। विल कीप इट ओवर नाइट इन अ रॉक सॉल्ट, टब ऑफ रॉक सॉल्ट, और उससे हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो क्लियर हो जाएगी, एनर्जीज उसकी क्लियर हो जाएंगी। खुद भी यू कैन टेक अ रॉक सॉल्ट वाटर बाथ और सिंपली हैव अ गुड मूड। ठीक है, देन यू कैन सेट अप योर ऑल्टर दैट आई एम ओमिटिंग राइट नाउ बिकॉज आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चार आइटम्स रखने हैं और बीच में खुद बैठना है। फिर थर्ड आइटम क्या है गाइस, अब इसके ऊपर जब एक थंब रूल लिख लो, जब भी आप कोई कैंडल मैजिक करोगे, थंब रूल इज वन कैंडल पर रिचुअल। ऐसा नहीं है कि चार रिचुअल्स एक ही कैंडल से करने शुरू कर दो, वन कैंडल वन रिचुअल, या फिर एक मनी रिचुअल चार लोगों के लिए एक ही कैंडल पे कर दो, ऐसे नहीं करना है। एक बंदे के लिए एक रिचुअल करो और एक कैंडल पे करो। नाउ दिस कैंडल शुड बी, नेक्स्ट रूल राइट इट डाउन, इट शुड बी अ वर्जिन कैंडल। व्हेन आई से इट शुड बी अ वर्जिन कैंडल, इट मीन्स इट शुड बी अ न्यू कैंडल, इट शुड नॉट बी ब्रोकन और इट शुड नॉट बी यूज अर्लियर। न्यू कैंडल लेनी है आपको रिचुअल करने के लिए, दैट्स इट। अब आप वो किस साइज की लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बर्थडे कैंडल लेनी है, पिलर कैंडल लेनी है, इस साइज की कैंडल लेनी है, इस साइज की कैंडल लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद गाइज हम इस पे पटिशन लिखेंगे। अब पटिशन कैसे लिखेंगे, हम लोग वैक्स पे एनग्रेव कर सकते हैं, एनग्रेव पता है ना, मतलब लिख सकते हैं। लिखेंगे किससे, हम पेन से भी लिख सकते हैं अगर अगरबत्ती नहीं है। मैं अगरबत्ती यूज कर रही हूँ बिकॉज ये प्योर फॉर्म होती है यूज करने के लिए और ईजी रहता है इससे एनग्रेव करना। अब एनग्रेव करेंगे हम, क्या क्या एनग्रेव करना है, नोट इट डाउन, फुल नेम एंड DOB। यू हैव टू एनग्रेव फुल नेम एंड DOB ऑफ द पर्सन हुम फॉर हुम यू आर डूइंग दिस रिचुअल फॉर। अगर खुद के लिए कर रहे हो अपना फुल नेम और DOB, और अगर किसी और के लिए कर रहे हो उसका फुल नेम और DOB आप इस पे एनग्रेव करोगे। जब करना है गाइज अच्छे मूड में करना है, कटिंग मत करना उसमें, ठीक है। पूरा नाम लिख दो और DOB ऐसे एनग्रेव करना है उस पे। उसके साथ आप क्या लिखोगे उस पे, कितना अमाउंट आपको चाहिए, मान लो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख। उसके आगे आप करेंसी लिखोगे, रुपीज या डॉलर। ठीक है, अगर आपकी सैलरी डॉलर्स में आती है आप डॉलर लिखो, अगर आपकी सैलरी रुपीज में आती है रुपीज लिखो, अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखो, US डॉलर में आती है। तो बेसिकली आपको राइट द करेंसी, करेंसी इज द सिग्नेचर ऑफ मनी। उसके बाद आपको इस पे एरो बनाना है, अपवर्ड एरो। कैंडल पे क्या बनाना है, अपवर्ड एरो, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मनी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अपवर्ड एरो उस पे बनाओगे आप, अपवर्ड एरो उस पे बनाओगे। ठीक है, ये चीजें एनग्रेव करने के बाद गाइज, ठीक है, आप इसके ऊपर ऑयलिंग और हर्ब्स लगाओगे। आपको ऑयल कौन सा लगाना है इस पर्टिकुलर मैजिक के लिए, यू कैन ईदर यूज ऑलिव ऑयल और यू कैन यूज कोकोनट ऑयल। राइट इट डाउन, यू कैन ईदर यूज ऑलिव ऑयल और यू कैन यूज कोकोनट ऑयल। अब ऐसा नहीं है कि पूरी बॉटल इस पे उड़ेल देनी है, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, यूज अ ड्रॉप ऑफ इट। और उसको अब पॉइंट कैसे करना है, इसको बोलते हैं अनॉइंटिंग करना। इसको जब आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, टॉप टू बॉटम अप्लाई करना है अपनी तरफ। ठीक है, व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू अप्लाई टॉप टू बॉटम टूवर्ड्स यू। और अगर अपनी लाइफ में से किसी को बैनिश करना है, निकालना है, कोई एडिक्शन छोड़ना है, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा उसका डायरेक्शन, दैट इज बॉटम टू टॉप। पॉइंट नोट किया गाइस, क्या बोला मैंने अभी, टॉप टू बॉटम अपनी तरफ अगर कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, इन केस कुछ निकालना है तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना है। आफ्टर ऑयलिंग दिस कैंडल यू हैव टू यूज अ हर्ब। हर्ब मैं इसमें यूज कर रही हूँ गाइस सिनेमन। सिनेमन रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। ठीक है, दालचीनी पाउडर लेके आई एम गोना रब ऑन इट इन द सिमिलर फैशन एज आई हैव डन फॉर द ऑयल। ऑयल जैसे मैंने अप्लाई किया वैसे ही मैं इसके ऊपर हर्ब अप्लाई करने वाली हूँ, दैट इज सिनेमन। इन द सेम डायरेक्शन टॉप टू बॉटम टूवर्ड्स माई सेल्फ, थिंकिंग अबाउट द मनी दैट आई विल गेट, थिंकिंग अबाउट इट हाउ आई विल गेट, थिंकिंग अबाउट इट वट आई विल डू एंड जस्ट अप्लाइंग ऑन इट। आफ्टर आई हैव अप्लाइड दिस कैंडल इज रेडी टू यूज। दिस इज अ मनी अट्रैक्टिंग कैंडल। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने इसको सिर्फ फ्लेम करना है, यू हैव टू जस्ट फ्लेम इट अप। ओके, इस कैंडल को लेके हम लोग इसको क्या कर देंगे,
फ्लेम करेंगे, उससे पहले ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू जस्ट मेडिटेट द वे वी हैव मेडिटेटेड इट. जैसे हम लोगों ने मेडिटेट किया था ना अभी, वैसे ही आपको माइंडफुली सोचना है कि वो सच हो रहा है, ठीक है, और इसको लाइट अप कर देना है. ओके, वंस यू हैव लिटन इट अप, ओके, आप यू कैन सी द फ्लेम, इट्स स्टेडी, बहुत ऊपर तक नहीं आ रहा है, बहुत एनर्जी के साथ, इट्स वेरी स्टेडी, नॉर्मल फ्लेम है, ठीक है, और किसी डायरेक्शन में है ये, इट्स पूरा सीधा ही अभी तक तो. ओके, सो दिस मीन्स विश पूरी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इट्स नॉट वेरी एनर्जेटिक फ्लेम, ठीक है. तो अब जब ये हो जाएगा, यू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ 10-15 मिनट्स विद दिस, डू योर मेडिटेशन, थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल गेट, व्हेन योर विश विल बी फुलफिल्ड. नेक्स्ट थंब रूल ऑफ एवरी कैंडल मैजिक इज डू नॉट ब्लो आउट योर कैंडल. इसको फूंक मार के बंद नहीं करना है, ठीक है, इसको अपने आप बंद होने देना है, ठीक है. अगर ये अपने आप बंद हो जाती है तो ठीक है, अगर कोई आप पिलर कैंडल यूज कर रहे हो जो सेवरल डेज यूज होती है, उसमें आप इसको पिंच आउट कर सकते हो, पर इसको ब्लो नहीं करना है, ठीक है, इसको चलने देना है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो बीच बीच में आपकी कैसी है फ्लेम, ठीक है, यू कैन नोट इट आउट. पीपल हु आर गोना डू इट फॉर क्लाइंट्स, दे कैन जस्ट रीड इट आउट कि कैसी जा रही है फ्लेम या फिर वैक्स कैसा जा रहा है. उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट डे यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ. डिस्पोज इट ऑफ कैसे करना है गाइस, डिस्पोज ऑफ आपको इसको यू कैन बरी इट इन द गार्डन आउटसाइड, या फिर यू कैन थ्रो इट इन द रनिंग वाटर, ठीक है, दो वेज हैं डिस्पोज ऑफ कर देना. जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, थैंक्स टू द यूनिवर्स, एंड डू नॉट डाउट ऑन द प्रोसेस. व्हेन आई से डू नॉट डाउट ऑन द प्रोसेस, इट मीन्स इसके बारे में सोचना नहीं है, क्या मेरी विश पूरी होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, कब होगी, ऐसा नहीं है. जैसे आप अमेजन पे कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हो, डू यू कीप चेकिंग योर फोन वो आ रहा है या नहीं, इट्स नॉट एवरी नाउ एंड देन यू कीप चेकिंग ऑन योर फोन, यू ट्रस्ट द प्रोसेस दैट इट विल अराइव, राइट. सिमिलरली व्हेन यू हैव डन अ रिचुअल, ट्रस्ट द प्रोसेस दैट इट विल हैपन, यू विल सी द चेंजेस इन वन ल्यूनर साइकिल विद इन 28 डेज, कीप अ नोट ऑफ इट. इफ यू फील दैट इट हैज वर्क, यू कैन डू इट अगेन इन द नेक्स्ट 28 डेज. ओके, नाउ विद दिस आर कैंडल डेमो एंड्स. ओके.